He caused wood polymer composite boards. Recyclable green product, fire retardant, 100% termite proof, lifetime guarantee, waterproof. जी हाँ, Ecost wood polymer composite. Boards, grills, deco panels, doors, profib door frames. Ecost deco panels. Deco panels 4mm PVC sheets हैं जो 12 डिजाइन में उपलब्ध है. यह वॉल पहनने के लिए बेहतर विकल्प है. यह दीवार सीलन के कारण नीचे की ओर से खराब हो गई है. इस दीवार पर ना तो पेंट टिक सकता है ना ही वॉलपेपर लगा सकते हैं. तो इस पर ऐसा क्या करें कि यह सीलन बिना दिखे और सुंदर भी दिखे. इसका सबसे बेहतर विकल्प है Ecost डेको पैनल. अब इसको किस प्रकार लगाना है यह हम आपको बताते हैं. सबसे पहले हम एक बोर्ड को यहाँ लगा कर देखेंगे. अभी ये गुनिया में नहीं है. तो अभी हम पहले दीवार को थोड़ा सा छील के इसको गुनिया में बिठाने का प्रयास करते हैं. इस तरह इस सीलन को हम पहले साफ कर लेंगे. कॉर्नर से इसको बिल्कुल साफ कर लेंगे. अब इसको दोबारा लगा के देखते हैं. अब ये बोर्ड हमारा बिल्कुल ठीक बैठ गया है. नीचे बेस के लिए हम इसमें 7.5 mm का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें अगर चाहें तो 5 mm या 6 mm भी यूज़ कर सकते हैं. ये सिर्फ इसलिए है ताकि एक हमें प्लेन बेस मिल जाए जिस पर हम डेको पैनल लगा सकें. प्लैंक के रूप में भी लगा सकते हैं लंबी पट्टियां काट के, और इसी तरह हम इसको खड़ी पट्टियों में भी लगा सकते हैं. तो जैसे भी आप चाहें इसको उस साइज में आप इस तरह से लगा सकते हैं. अब हम आपको दिखाते हैं अगर आप इसको अपनी लागत को बचाने के लिए अगर चाहें तो आप इसे पट्टियों के ऊपर भी लगा सकते हैं. तो पट्टियों के लिए सबसे पहले हम 2 इंच की पट्टियां इस तरह से काट लेंगे. जिस तरह लंबाई में काटी है ऐसी चौड़ाई में भी पट्टियां काट लेंगे 4-4 फीट की. अभी 2 इंच की पट्टियां हमारी हमने काट ली हैं.
इसी तरह हम अपने डेको पैनल के जो पीसेस हमने लगाने हैं उनको भी उसी तरह से काट लेते हैं पहले, और इनके ऊपर हम नंबरिंग डाल देंगे ताकि हमारे रेशे बिगड़े नहीं। अब हम इसको यहाँ लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे जिस तरह हमने स्कर्टिंग लगाई थी, स्कर्टिंग के नीचे सबसे पहले एक 4 इंच की मोटी एक पट्टी लगाएंगे। ये 4 इंच की इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी हमने इसमें स्कर्टिंग भी लगानी है, तो 2 इंच की स्कर्टिंग लगभग होगी, तो उससे उसको बड़ा रखना पड़ेगा। इसी तरह इसको पहले हम गिट्टी लगाएंगे। अब पहले हम ये चौड़ी पट्टी लगाएंगे। अब हम इस पे पहले खड़ी पट्टियां लगाते हैं 8 फीट की। ये इस तरह खड़ी पट्टियां लगाएंगे पहले। ये ड्रिल से होल करके पहले इसमें गिट्टियां लगाते हैं। इस तरह इसको स्क्रू कर देंगे। इसी तरह अब हम इस पे स्कर्टिंग लगाएंगे पहले। अब जैसे ज़मीन में आप देख रहे हैं नीचे गैप दिख रहा है, तो स्कर्टिंग लगाने से उस गैप को हम छुपा भर सकते हैं उसको। अब इसी तरह हम इसका जो है बेस तैयार करेंगे पट्टियों से। जैसे खड़ी पट्टियाँ लगाई उसी तरह अब हम इस पर 4 फीट की पट्टियाँ लगाते हैं लंबी। इस तरह इसको ये बेस तैयार करने के लिए अब इसमें हम जो हमने 1 फीट बाई 1 फीट के पीसेस लगाने हैं उसी साइज में हम उसको बीच में हम 1 फीट बाई 1 फीट के इसका बेस बनाएंगे। लगाने से पहले एक बार इसका हम रेशों का मिलान कर लेंगे ताकि रेशे का मिलान कहीं भी उल्टा ना लग जाए, तो उसको पहले ही मिला लेंगे। अब जिस तरह हमने पहले डेको पैनल लगाए थे उसी तरह हम इसको पट्टियों के ऊपर लगाएंगे, उसी तरह ग्रूव देते हुए। ये 1 फीट बाई 1 फीट के हमारे सारे पीस जैसे हम लगा दिए हमने, उसी तरह आगे लंबी पट्टियाँ और खड़ी पट्टियाँ ये हम इनको लगा देंगे। अब ये हमारा पूरा का पूरा डेको पैनल ये लग के तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं दोनों